Welcome everyone. Today we are going to start our new module, which is electrochemistry. This is first lecture of this module. Today we will understand what is electrochemistry and what are electrochemical cells. Ayesamasthe. Electrochemistry, the branch of science dealing with the study of conversion of chemical energy into electrical energy. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशनशिप और इनका कन्वर्जन की स्टडी करें उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं यानी कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी उसको हम बोलेंगे सेल तो आज हम एक ऐसी ही डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इस डिवाइस में जो इनपुट होगा वो केमिकल एनर्जी होगा जबकि जो आउटपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स विच आर इमर्ज इन वन और मोर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप्ड होते हैं ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जब इनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया जाता है तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं जबकि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट कंटेनर्स में होती हैं और इन सेपरेटे सेपरेट कंटेनर्स को हम हाफ सेल बोलते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एक टिपिकल एग्जाम्पल गैलवेनिक सेल या डेनियल सेल की हेल्प से समझ सकते हैं अगर हम डेनियल सेल या गैलवेनिक सेल की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू कंटेनर्स। दो कंटेनर होते हैं जैसा कि मैं स्क्रीन पर डायग्राम बना के दिखा रही हूं आपको टू तो कंटेनर्स आर देयर इन दिस कंटेनर देर इज अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट जिसकी कंसेंट्रेशन वन मोल है जबकि इस सेकेंड कंटेनर में कॉपर सल्फेट होता है जिसकी कंसेंट्रेशन भी वन मोल है सो देर इज सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड देर इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशंस में अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करें तो जिंक रॉड इज डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, वाइल कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डिप्ट होती है ये जो मेटेलिक रॉड्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो दिस वन इज जिंक इलेक्ट्रोड यहां कॉपर इलेक्ट्रोड है इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम एक अमीटर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं इंसुलेटेड वायर की हेल्प से एंड ये जो दो कंटेनर्स होते हैं दे आर आल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज ये एक सॉल्ट ब्रिज है जिसमें कि के थ्री या फिर अमोनियम uh, नाइट्रेट जैसा इलेक्ट्रोलाइट फिल हो सकता है तो दिस इज सॉल्ट ब्रिज तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर यह गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का डायग्राम है आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होगी इन हाफ सेल्स में फर्स्ट हाफ सेल यह कहें कि क्या रिएक्शन होगी एनोड पर और क्या रिएक्शन होगी कैथोड पर एनोड पर जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डिप है तो जिससे क्या होगा इस तरीके की कोई रिएक्शन होगी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा और एनोड का वर्क करेगा जबकि जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा डेट विल एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड विल कन्वर्ट इन टू सी तो यहां हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एनोड पर जबकि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो जब हम एक एक्सटर्नल सर्किट से इसको कंप्लीट कर देंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ होगा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जबकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा यानी कि कॉपर से जिंक uh, की तरफ तो एज द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड द जिंक रॉड रिगार्डेड एज अ नेगेटिव टर्मिनल एज कॉपर रॉड इज रिगार्डेड पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से देखेंगे इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल की फॉर्म से देखेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखें तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल पर या एनोड पर रिडक्शन हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पर या कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ टू कंटेनर्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोड्स इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपनी सेपरेटिव हाफ सेल्स में हो रहा है जिस सेल में ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जैसे कि जिंक वाला जिंक राउडर है जिंक सल्फेट में और जिसमें रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनोड ऑन लेफ्ट साइड देन एनोड इलेक्ट्रोलाइट देन सेपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड इलेक्ट्रोड फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गेलवनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं देख सकती हूँ उसमें मेरा जो एनोड है वो जिंक है जिंक जिंक सल्फेट में डिप है सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इसको सेपरेट किया गया है देन जो हमारा कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट है और इसमें कॉपर की रॉड टिप है तो लेफ्ट हैंड साइड हम, है, right हम है, एनोड रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड साइड हम कैथोड रिप्रेजेंट करते हैं और एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इसको सेपरेट करते हैं तो अपने आज के लेक्चर में हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू एवरी वन